आने वाले लोकसभा चुनाव लोकतंत्र के मायने तय कर देंगे। जी हाँ, ये वक्तव्य वक्ताओं ने रविवार को इंदौर प्रेस क्लब और संस्था सेवा सुरभि के बैनर तले एक व्याख्यान में व्यक्त किए। देखिए ये खास रिपोर्ट। रविवार को इंदौर प्रेस क्लब के राजेंद्र माथुर सभागृह में देश के जाने माने पत्रकार राजेश बादल ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों और लोकसभा चुनाव विषय पर सारगर्भिक विचार व्यक्त किए। इस मौके पर बादल ने लोकसभा चुनाव के बहाने लोकतंत्र की परिभाषा को भी अभिव्यक्त किया। श्री कृष्ण कुमार अष्टाना जी से निवेदन करूंगा, आप आके हमारी ओर से मात्र साहब का स्वागत और भवानी प्रसाद मिश्र जी ने इनका हुआ राजा किशोर कोडवानी से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर स्मृति चिन्ह इंदौर के सामाजिक लेकिन हमने बीते 50 साल इंदौर प्रेस क्लब और सेवा सुरभि के बैनर तले हुए इस अनूठे आयोजन में वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश राजपूत भी मौजूद रहे। उन्होंने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नोटा जैसे विकल्प पर अपनी बात रखी और चुनावी माहौल के बदलते तेवर बयां किए। बड़ा अच्छा विषय है चुनाव। जैसे अमित जी ने कहा कि चुनाव अब लगातार चुनाव ही होते रहते हैं। हमारे पिछले जो मुख्यमंत्री थे वो मैंने एक दिन से कहा था सर आप तो हमेशा चुनाव मोड में रहते हैं। मैंने कहा फिर आप चुनाव की तैयारी करने लगे तो वो कहते नहीं मैं तो हमेशा चुनाव के मोड में रहता हूँ। मगर हमेशा चुनाव के मोड में रहना कितना दुखदायी और कितना तकलीफदेह होता है इसका इशारा अमित ने थोड़ी देर पहले किया है कि चुनाव चुनाव चुनाव। मैं अपने आप को चुनाव का छोटा सा विद्यार्थी मानता हूँ और चुनाव कहने को तो राजनीति शास्त्र का विषय है मगर दरअसल चुनाव होता है समाजशास्त्र का विषय, क्योंकि चुनाव के चलते हम एक समाज की जो गतिविधियां हैं, समाज की जो सोच है, समाज किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके की उम्मीदें जगा रहा है, किस तरीके से अपने लोगों को चुन रहा है, किन लोगों को पसंद कर रहा है, बहुत कुछ इस तरीके से देखते हैं चुनाव को। तो जो व्यक्ति जितना बेहतर समाजशास्त्री होगा, जो रिपोर्टर जितना बेहतर समाज को समझेगा वो उतना बेहतर चुनाव के बारे में लिख पाएगा, बोल पाएगा। तो चुनाव कहने को जरूर राजनीति का विषय है मगर है ये समाज से जुड़ा हुआ, क्योंकि चुनाव बड़ी हैरानी होती है देखिए कि कैसे जब चुनाव आता है, पहले तो 5 साल में आता था, थोड़ा जल्दी जल्दी आता है, तो कैसे इंदौर के अरबपति जो विधायक बनने को उत्सुक प्रत्याशी होते हैं कैसे हाथ जोड़ के गलियों में निकल जाते हैं और कैसे लोगों के ताने सुनते हैं और चरण छूने को तत्पर रहते हैं। तो लगता है कि ये कौन सी घड़ी है, ऐसा क्या हो रहा है कि जो मुख्यमंत्री 13 साल के उनका पूरा परिवार सड़कों पर उतरा हुआ है, जो हमारे विधायक जो मंत्री बन जाते हैं जिनके परिवार लंदन अमेरिका में सेटल हो जाते हैं वो सब लोग चले आते हैं चुनाव पर्यटन के नाम पे, हाथ जोड़ के गलियों में चले जाते हैं, डांट खाते हैं, झड़कियाँ सुनते हैं और बढ़िया ताने सुनते हैं और भला हो उस मोबाइल का जो उस ताने हम दूर तक उन लोगों को सुना के हम लोग बड़ा आत्मिक सुख देते हैं कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। तो निश्चित ही बड़ा मजा आता है चुनाव को देखने में, चुनाव को कवर करने में, चुनाव के बारे में पढ़ने में और चुनाव के बारे में लिखने में भी। इस अवसर पर पत्रिका के संपादक अमित मंडलोई ने भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अनूठे अंदाज में टिप्पणी की। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर, प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी, महासचिव नवनीत शुक्ला, सेवा सुरभि के प्रमुख ओम नरेडा भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।